बज़्म इत्तेहाद ग्लोबल के सदर अहमदुद्दीन ओवैसी की निगरानी और खुसूसी हिदायत के बाद बज़्म इत्तेहाद हैदराबाद का क़याम अमल में लाया गया और महफिल नात का अहतमाम करते हुए इसका आगाज किया गया है। इस महफिल नात में मजलिसी रुकन कौंसल सैयद अमीदुल हसन जाफरी और साबिक कॉरपोरेटर मेयर मीर जुल्फ़िकार अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मस्कुरा हैदराबाद चैप्टर के क़याम में नायब सदर बज़्म इत्तेहाद जिद्दा और तर्जुमान यूसुफुद्दीन अमजद की अनथक कोशिशें भी शामिल हैं। हैदराबाद चैप्टर के नायब सदर के तौर पर मोहम्मद अब्दुल हई सिद्दीकी, हसन बायजीद सरपरस्त आला, मोहम्मद अली नैयर जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उबैद अहमद बाहजाऊ, जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल जलील तारिक और खाजिन के तौर पर महमूद बिन शरफ का इंतखाब अमल में आया। वाज़ह रहे कि बज़्म इत्तेहाद के चैप्टर्स जिद्दा, रियाज, दमाम, मदीने मुनव्वरा के अलावा कनाडा में पहले ही से काम कर रहे हैं और हैदराबाद में फलाही और तालीमी काम करने की गर्ज से इसका अहिया अमल में लाया गया है। तो वैसे तो हमारे फलाही काम है वो तो इंशाल्लाह जिस तरह चल रहे हैं उसको चलते रहेंगे। उसके साथ साथ हम ये दो बड़े प्रोजेक्ट हम काम करना चाह रहे हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट ये है कि ओल्ड एज होम और गर्ल्स हॉस्टल, ये दो काम हम करना चाह रहे हैं बज़्म इत्तेहाद हैदराबाद चैप्टर के साथ। ये दो काम हम करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने ये देखा है यहाँ पे हैदराबाद के नौजवान, काफ़ी नौजवान इस वक्त गर्ल्स में है, अमेरिका